दोस्तों बात करते हैं 2006 में यूक्रेन के कैपिटल कीव में एक इंसान बिल्कुल पुराने कपड़े पहने और पुराना कैमरा लेकर दिखाई देता है। वो कोई पागल या आम इंसान नहीं था, बल्कि वो इंसान पास्ट से आया था, यानी कि करीब 17 साल पीछे की दुनिया से आया था। दोस्तों ये आदमी अपना नाम सर्गी पोनोमारिंग को बता रहा था और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की और आईडी चेक करी तो पता चला कि ये आईडी वाला देश अब मौजूद ही नहीं है, क्योंकि ये आईडी सोवियत यूनियन के वक्त की थी। दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, लेकिन जब ये अजीब इंसान दिखाई देता है तब सोवियत यूनियन को टूटे करीब 20 साल हो चुके थे। दोस्तों ये इंसान दिखने में 20 से 25 साल का लग रहा था, लेकिन उसकी आईडी में डेट ऑफ बर्थ 1932 की दिखाई दे रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो फोटो आईडी में दिख रही थी वो इसी इंसान की थी। ये सब देखकर पुलिस शौक में पड़ गई थी, क्योंकि 1932 में पैदा होने वाला शख्स 2006 में 20 से 25 साल का कैसे दिख सकता है। जब पुलिस ने सर्गी से पूछा कि आज डेट कौन सी है, तो सर्गी ने थोड़ा सोचकर बताया कि 23 अप्रैल 1958। उसके बाद पुलिस को लगा कि ये इंसान पागल है या फिर हमें पागल बना रहा है। दोस्तों पुलिस जो है वो उसको मेंटल हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर पाब्लो कुट्रिकोव उसको चेक करते हैं। डॉक्टर ने सर्गी से पूछा कि वो 1958 से 2006 में सीधा कैसे आ गया। उसने बताया कि वो अपने शहर में अच्छे माहौल के साथ फोटोज क्लिक कर रहा था, तभी उसने आसमान में अजीब चीज को उड़ते हुए देखा। डॉक्टर ने पूछा कि वो चीज कैसी थी, तो वो दोस्तों वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार वो कैसी चीज थी। उसने अपने कैमरे में कुछ फोटोज क्लिक कर रखी थी, तो उसने अपना कैमरा आगे कर दिया। उसके बाद डॉक्टर के होश उड़ गए थे और वो कैमरा काफी पुरानी कंपनी का था, लेकिन देखने में वो बिल्कुल नया लग रहा था। जब फोटोग्राफ्स निकाले गए तब सभी लोग हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि फोटोज में कीव सिटी की काफी पुरानी फोटो मौजूद थी। गाड़ियां, बिल्डिंग, रोड सभी 50s के दशक की फोटो थी। उस फोटोज में सर्गी और उसकी गर्लफ्रेंड की भी फोटो मौजूद थी। ये वही सर्गी था जो उसी कपड़ों में डॉक्टर के सामने बैठा था, और जैसे डॉक्टर ने बताया वैसा ही आसमान में उड़ता कुछ दिखाई देने वाला फोटोज भी मिलता है। ये सब देखने के बाद डॉक्टर टेंशन में आ चुका था, क्योंकि ये इंसान टाइम ट्रैवल करके आया था। फिर डॉक्टर ने भी उसकी बातों पर यकीन कर लिया था। उसके बाद सर्गी रूम का दरवाजा खोलता है और अचानक चला जाता है। वो इंसान उसके बाद वापस कभी नहीं दिखाई देता, वो अचानक से गायब हो चुका था। सर्गी सिर्फ कुछ वो कैमरा, कुछ फोटोग्राफ्स और अपनी रहस्यमय कहानी छोड़कर गायब हो चुका था, और ये ऐसी रहस्यमय कहानी थी कि इसे सुलझाना नामुमकिन था। जब पुलिस ने केस को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि 1960s में रियल में सर्गी पोनोमारिंको नाम का इंसान कीव से गायब हुआ था, और जो फोटो में जो लड़की दिख रही थी उसको भी ढूंढा गया, और जो अभी 70s साल की वो लड़की दिख रही थी। उसने पुलिस को बताया कि सर्गी वाकई में 1958 में गायब हुआ था और वो कुछ ही दिनों में वापस भी आ गया था। और दोस्तों उस लड़की ने बताया कि वो वापस 1960s में गायब हुआ था, उसके बाद आज तक वो वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन उसके बाद कहानी वापस एक भयानक मोड़ लेती है। कुछ सालों बाद उस लड़की को सर्गी की एक फोटो मिलती है और उस फोटो पर लिखा था 2050। उस फोटो में सर्गी की उम्र काफ़ी लग रही थी और कीव सिटी काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही थी, और उसमें ऐसा भी लिखा था कि वो जल्द ही वापस आएगा, लेकिन आज तक वो वापस नहीं लौटा है। उसके बाद सर्गी पोनोमारिंको की ये स्टोरी टीवी में बताई गई और देखते ही देखते ये स्टोरी वायरल हो गई थी। लेकिन दोस्तों सबके मन में एक ही प्रश्न था कि ये स्टोरी वाकई में सच है या फिर क्या है। दोस्तों चलिए जानते हैं। दोस्तों 2012 में यूक्रेन में एक ये स्टोरी जो है दिखाई गई थी, जिसका नाम रखा एलियंस। सर्गी और डॉक्टर की सीसीटीवी वीडियो में एक बहुत बड़ी मिस्टेक दिखाई देती है। इस वीडियो में जो डेट दिख रही है वो वेनेसडे 23 अप्रैल 2006 है, लेकिन कैलेंडर पर देखा जाए तो 23 अप्रैल जो है वो संडे का दिन बताता है। इसका मतलब यह है कि वीडियो अलग से रिकॉर्ड की गई थी और एडिटिंग की हुई थी, और सर्गी की आईडी पर जो स्टैंप दिखाई दे रहा है वो एक्सपर्ट का मानना है कि उस टाइम के स्टैंप से ये काफ़ी डिफरेंट स्टैंप है।
और जो इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसका रिकॉर्ड आज तक नहीं मिला है। तो दोस्तों वो रिकॉर्ड कहाँ गया? तो दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है कि जो पाब्लो कुट्रिकोव डॉक्टर हैं वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किसी को नहीं मालूम, उसका एड्रेस भी किसी को नहीं बताया गया है। तो दोस्तों एक्सपर्ट का कहना ये भी है कि ये स्टोरी जो है वो सिर्फ शो के रेटिंग्स बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, ये वेल प्लान्ड की हुई स्टोरी थी। तो दोस्तों ये कहानी थी टाइम ट्रैवलर की, सर्गी पोनोमारेंको की। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं कि आपको वाकई में ये स्टोरी सच लगती है या क्या है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।